करते हैं, पता चलेगा आपको कि आज रूस ने यूक्रेन के किन किन इलाकों में कब्जा किया है। देखिए, ये इस वक्त यूक्रेन का मैप आपको हम दिखा रहे हैं। आज 2 मार्च 2022 की तारीख, चेर्नोबिल, कीव, खेरसोन में इस वक्त सबसे ज्यादा बमबाजी की जानकारी आ रही है। देखिए, इधर खार्किव में बुरी तरह से स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं, कई बिल्डिंग्स को निशाना बनाने की जानकारी आ रही है। रूस ने आजाद देश की मान्यता इन हिस्सों को दी है जिसमें डोनेस्क और लुहांस्क शामिल है, और उसके बाद क्राइमिया को पहले ही कब्जे करने की बात 2014 में ही सामने आ चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ खार्किव में हो रहा है, और उसके बाद जानकारी मिल रही है कि खेरसोन को भी नस्तो नाबूद करने की कोशिशों में वो है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है रूस की सेना की तरफ से कि हमने खेरसोन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है, और अगला टारगेट देखिए खेरसोन के बाद कीव है। और ये कहा जा रहा है कि आज की रात कीव के लिए पूरी तरह से कयामत की रात है। बीते 2 दिनों से यही चर्चा आम है, और ये पूरा का पूरा जो नक्शा है इस वक्त, ये कहा जा रहा है कि रूस बदल कर रख देना चाहता है। और जानकारी है कि खेरसोन को जिस तरह से उसने टारगेट किया है, अब उसके टारगेट पर खार्किव तो पहले ही से ही था, और अब कीव, जो कहा जा रहा है कि खेरसोन से कीव की जो दूरी है वो कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है, और ये कहा जा रहा है कि अब अगला टारगेट उसका कीव होगा। अगली कुछ तस्वीरें आपके सामने आई, आपको दिखाते हैं कुछ और तस्वीरें, जानकारी आ रही है 10 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। रेलवे स्टेशन पर हमला हुआ है, बाजार में ब्लास्ट हुआ है, पुलिस मुख्यालय को टारगेट किया गया है, मिसाइल अटैक हुआ है, ऑयल टैंक खाक हो गया है, टीवी टावर पर हमला हुआ है, रूसी गाड़ी को रोका गया है, ड्रोन हमला हुआ है, खौफ में खेरसोन है और अपार्टमेंट पर हमला किया गया है। ये तस्वीरें, 10 तस्वीरें जो तबाही के मंजर को यूक्रेन में बयां कर रही हैं, चीख पुकार की आवाज है। और इस वक्त पतिकृत पाइन हमारे साथ जुड़े हैं। पतिकृत, अभी ये जो हम नक्शा दिखा रहे थे थोड़ी देर पहले, जरा मुझे बताइए क्या ऐसा लग रहा है कि खेरसोन के बाद अगला टारगेट कीव है, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कहा जा रहा है कि बहुत कम है कीव और खेरसोन के बीच। देखिए, अगर कीव में जो खेरसोन में बॉम्बिंग हुआ था वो क्रूज मिसाइल से किया गया था, ब्लैक सी फ्लीट से, नेवी से, खार्किव में जहां पे उन्होंने कब्जा कर लिया, शायद वहां से फिर अभी एयरफोर्स लॉन्च करेंगे, एयरक्राफ्ट TU-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से कीव को अटैक करेंगे, तो अगले कुछ दिनों में कीव गिर जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा लड़ाई खत्म हो जाएगा, ये इंसर्जेंसी उसके बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी यूक्रेन के लिए किसी तरह से ये लड़ाई का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है इसको खत्म करना मुश्किल है। अल्टीमेटली यूक्रेन हारेगा, दुख की बात है, देश तबाह हो गया, और पूरा जो ईस्टर्न साइड है, ईस्ट ऑफ यूक्रेन, इसको शायद रशिया लेके डीमिलिटराइज कर देगा। पहले डॉनबास रीजन ले लिया, क्राइमिया ले लिया, अब खार्किव ले लिया, पूरा ईस्टर्न यूक्रेन को वो डीमिलिटराइज कर देगा, वेस्टर्न यूरोप में शायद वो नहीं जाएगा, और कोस्टल रीजन जो है, जो ब्लैक सी की तरफ है, वो जगह जो बात कह रहे हैं, क्या आप भी उस बात से अग्री करते हैं कि पूरा का पूरा जो ईस्टर्न यूक्रेन है उसका पूरी तरह से टारगेट है रूस का इन एरिया पर, वेस्टर्न से उसका कोई लेना देना नहीं है? देखिए, मेरी राय में प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अभी कुछ, आज का जो मौका है टॉक्स का, वो नहीं गवा के ना गवाना नहीं चाहिए, कुछ युद्ध विराम की बात शुरू करनी चाहिए, और जैसे पहले भी कहा अनदर पैनलिस्ट ने कहा कि न्यूट्रलिटी की भी बात करनी बहुत जरूरी होगी। यूरोप में कई देश न्यूट्रल है, यूक्रेन भी न्यूट्रल रह सकता है और अपनी सुरक्षा कर सकता है, अपने को बचा सकता है। अब जिस किस्म से आप बता रही हैं कि ये खेरसोन को ले लिया, खार्किव को तो बिल्कुल तबाही कर दिया, उसी बारी आएगी कीव की। देखिए, मैं कीव शहर में रहा हूँ, मैं खार्किव कई बार गया हूँ, सभी से बहुत शहर देखे हैं मैंने। लेकिन सर, जिस न्यूट्रलिटी की आप बात कर रहे हैं, मौजूदा वक्त में यूक्रेन कैसे जज्ब करेगा कि उसे न्यूट्रल हो जाना चाहिए? वो देश जहां पर तबाही का ही मंजर है, हर जगह सब कुछ या तो आग के शोले, धमाकों की आवाज, या आसमान में उन धमाकों के बाद उठता हुआ धुआं नजर आ रहा है, उसके सिविलियंस की जान जा रही है, सैनिकों की जान जा रही है, न्यूट्रलिटी, ऐसे में यूक्रेन कैसे इस बात को जज्ब कर ले? लेकिन 7वां दिन है, हल तभी होगा जब बातचीत से कोई नतीजा निकलेगा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज 18 इंडिया पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है।